तो पिछली बार मैंने जीत लिया था स्टोरेज वॉर, जिसके अंदर मुझे मिले थे ढेर सारा पैसा, सोना, कैश, अशरफिया, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था इन सारे पैसों को मैं कहाँ पे खर्चा करूँ। लेकिन आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद और मेरी कुछ इच्छा हो गई, मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि इन सारे पैसों को क्या करने का है, जो आपको आज आगे दिखने वाला है। जब आपके पास इतना पैसा आ जाता है तो सबसे पहले आपको एक सूट खरीद लेना चाहिए, तो मैंने भी यही किया। मैंने अपने लिए एक सूट, बूट और एक चश्मा भी खरीद लिया, और मैं सीधे अपने घर की तरफ जा रहा था। लेकिन ये जो घर था कुछ मामूली घर नहीं था, मैंने इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाया था। बाहर दो बुलेट प्रूफ जी वैगन भी खड़ी हुई थी मेरी सिक्योरिटी के लिए, और हमारे घर में थी एक ऑटोमेटिक एंट्रेंस जिससे सिर्फ मेरी गाड़ी आया जा सकती थी। हमारे कुछ निजी मामले थे जिसकी वजह से मैंने अपना हाउस को काफी ऊपर बिल्ड करवाया था, तो हमें काफी ऊपर ड्राइव करके जाना पड़ता था। लेकिन ये रोज एक आना जाना एक मजा बन गया था मेरे लिए। लगभग 1.5 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद और सूरज के असली मजे लेने के बाद मैं पहुंच गया था ऊपर अपने हाउस में। वहां पे मैंने दो बॉडीगार्ड्स लगाए थे अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली जान है तो ही जान है। और अब मैं फाइनली अपने हाउस में पहुंच चुका था, जो कि एक एक्चुअली हाउस नहीं है, इसे हाउस कहना सही नहीं होगा। ये था मेरा 200 करोड़ का विला, जो फाइनली दोस्तों बनके कंप्लीट हो गया था। इसमें मैंने अपनी जरूरत की और ऐशो आराम की हर एक चीज रखवाई थी, जो कि मैं आज पहली बार देखने जा रहा था। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था, तो एक्साइटमेंट के चक्कर में मैंने सबसे पहले देखा अपना लग्जरी प्राइवेट गैरेज, और इस गैरेज में हर एक वो कार थी जिसका मैं ड्रीम देखता था, हर वो कार थी जो मैं चलाना चाहता था। डजंट मैटर वो रोल्स रॉयस थी, बीएमडब्ल्यू थी, या फिर थी मर्सिडीज, या फिर वो फरारी, मैंने हर वो सुपरकार बाय कर ली थी। मैंने कुछ सीधे तरीके से बाय करी, कुछ उल्टे तरीके से बाय करी, और इनके इंटीरियर्स और एक्सटीरियर देख के मेरा दिल तो यार बाग बाग हो गया था। मैं काफी ज्यादा खुश था इन कार्स से, कंसेप्ट कार्स हो या फिर रियल कार्स, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। जो मुझे पसंद है मैंने इस अपने प्राइवेट गैरेज में खड़ी कर दी, और इन सब के ऊपर मैंने लगभग 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा कर दिया था। और मेरे ठीक गैरेज के आगे था मेरा लग्जरी प्राइवेट पूल, जो कि काफी ज्यादा ह्यूज था। बैठ के बातचीत करने के लिए और कुछ खाने के लिए यहाँ पे सोफा टेबल ऑलरेडी है, और अगर आपका मन करे तो यहाँ पे बीच चेयर्स भी थी जहाँ पे आप धूप के मजे ले सकते थे। फिर लिफ्ट से आगे जाने के बाद मुझे दिखाई दिया अपना प्राइवेट लिविंग रूम, और ये मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। सबसे पहले तो मुझे दिखाई दिया मेरा प्राइवेट डेस्क जहाँ पे मैं वर्क करूंगा, वो क्या करूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मेरी सारी प्रीमियम चीजें अवेलेबल थी। एक बड़ी सी वर्क क्लॉक मुझे काम याद दिलाने के लिए, ये था मेरा चिलिंग एरिया जहाँ पे मैं चिल कर सकता हूँ म्यूजिक सुनते सुनते। ये था मेरा फुल्ली लोडेड होम थिएटर सिस्टम विद एल शेप काउच, मैंने थोड़े और अमीरों का शौक पालने के लिए स्नूकर टेबल भी खरीद लिया था। और ये था मेरा टेलीस्कोप, मैंने सोच के रख लिया था कि इसी से मैं अपना एक नया प्लैनेट डिस्कवर करूंगा और उसका नाम मैं खुद ही अपने नाम पे रखने वाला हूँ। जल्दी इसकी मैं शुरुआत भी करने वाला था, और साथ ही साथ मैंने एक टेबल पे अपने पूरे शहर का मैप रख लिया था ताकि मुझे कभी भी कोई जरूरत हो मैं रेडी रहूं। और बारी थी अब हमारे मास्टर बेडरूम की, जिसके लिए हमको पहले सीढ़ियां लेनी पड़ती है, और सीढ़ियां लेने के बाद हमारा आता है मास्टर बेडरूम जिसमें ऐशो आराम की हर एक चीज अवेलेबल। यहाँ पे मैंने 105 इंचेस का टीवी लगाया था विद ऑल कंसोल, रिलैक्स करने के लिए टॉप लेवल लग्जरी प्रीमियम किंग साइज बेड, और यहाँ पे इतना सब काफी नहीं था कि मैंने अपनी एम्बिएंट लाइटिंग रूम की पूरी करवा रखी थी। मुझे तो लिटरली राजा जैसी फीलिंग आ रही थी, लेकिन मैं सोचा कि चलो अपने पूरे विला को भी एक्सप्लोर कर लिया जाए। नीचे उतरने के बाद यहाँ पे मैंने काफी सेफ और सिक्योर चीज रखी थी, ये थी मेरी पर्सनल तिजोरी जो सिर्फ मेरे फेस आईडी से ही ओपन होती है, और इस तिजोरी के अंदर वही सोना रखा हुआ था जो हमने पिछली बार स्टोरेज वॉल्स में लिया था। अब मेरे पास इतना ही सोना रह गया था, क्योंकि मैंने मैक्सिमम सोने को बेच के वही पैसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया था, और बचे हुए पैसे से मैंने अपनी सारी ऐशो आराम की जरूरतें पूरी कर दी थी, और थोड़े बहुत पैसे मेरे वॉशिंग मशीन में भी धुल रहे थे, क्योंकि भाई साहब अगर अपना पैसा गंदा हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। और जब आपके पास इतना सारा पैसा आ जाए और मजा हो कि आप कोई उड़ने वाली चीज ना रहो, तो भाई साहब ये था मेरा प्राइवेट हेलीकॉप्टर। मैं नेचर लवर हूँ, तो मैंने छत के ऊपर भाई पूरी तरीके से एक मिनी गार्डन बना दिया था, जहाँ पे मैं काफी अच्छे से बैठ के रिलैक्स फील कर सकता था नेचर के पास। और ये था मेरा प्राइवेट रनवे मेरे विला पे, मैंने हर एक प्लेन का एक मॉडल बुलवाया था सिर्फ अपने लिए, और एक गोल्डन जेट स्पेशली लग्जरी ट्रिप्स पे जाने के लिए। और बाजू में था मेरा प्राइवेट हेलीपैड, मतलब अगर कुछ हमला वगैरह हो जाता है, ज़ॉम्बी वगैरह की सिचुएशन आ जाती है, तो यही हेलीकॉप्टर से हम बचेंगे। और यू नो कभी अगर एलियंस वगैरह आकर मिसाइल गिराने की नौबत आ गई तो फाइटर जेट है ना, तो ये सब चीजें मेरी सर्वाइविंग सिचुएशन में काम आने वाली। तो ऐसे मैंने लगभग अपने 500 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए, और ये सारी जो चीजें थी ये मेरी जरूरत की चीजें। अब जाके लग रहा था कि मैंने फाइनली कुछ उखाड़ ही लिया है। तो ये सब देखने के बाद अब बारी थी मेरी इतनी लग्जरी कार्स को टेस्ट करने की थी। सबसे पहले मैं फरारी में बैठा, बैठते बराबर ही महसूस हुआ कि भाई कुछ तो अलग है इस चीज। मैंने गाड़ी को स्टार्ट की और तुरंत निकल पड़ा इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करने के लिए शहर में। और जब मैंने इसे चलाना शुरू किया तब मुझे मालूम पड़ा कि कौन सा बीस्ट है। इसकी रफ्तार बेमिसाल थी, इसका कंट्रोल लाजवाब था, और इसके कंफर्ट भाई नेक्स्ट लेवल था। मतलब ऐसी चीज मैंने आज तक कभी ड्राइव नहीं की। मैंने इसे इसकी टॉप लेवल की स्पीड तक भगाया और भाई काफी मजा आ गया, पूरे ही मजे आ गए। लेकिन जब अपनी गाड़ी को आप इतनी स्पीड पर हाईवे में भगाते हो तो आपके साथ एक ही चीज होती है, और मेरे साथ भी वही हुई। मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, और पुलिस ने पकड़ने के बाद मुझे बोला, देखिए सर क्या आप जानते हैं कि आप स्पीड लिमिट से ज्यादा चला रहे थे। पर मैंने उसकी बात का ज्यादा टेंशन ना लेते हुए मैंने अपना सपना
पूरा किया। मेरा सपना था कि मैं एक दिन पुलिस वाले को रिश्वत दे के झट से निकल जाऊँ। तो मैं उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ा और उसकी गाड़ी पर रख दिया एक बड़ा सा नोटों की गड्डी और उसका रिएक्शन था, बाप रे सर ये क्या है। और फिर मैं अपने गाड़ी के अंदर बैठ के वहां से निकल पड़ा। और भाई साहब मैंने अभी काफी अपनी फरारी को ड्राइव कर लिया था, तो अब बारी थी थोड़ा ऑफ रोड पे जाने की। अब नई नवेली डिफेंडर की बारी थी, मैं सीधा अपने डिफेंडर को ले चला जंगलों में और मैंने फिर ऑफ रोडिंग के पूरे मजे लिए। मैंने रेंज रोवर को पहाड़ों में, जंगलों में, नदियों में और हर वो जगह पे चला है जहां तक उसकी लिमिट थी, लेकिन फिर भी मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। वो कहते हैं ना एक्सट्रीम ऑफ रोड वाली फील नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो यार एक और लेवल एक्सट्रीम आगे जाते हैं। फिर मैं ले आया अपना 6x6 मॉन्स्टर ट्रक और भाई साहब ये काफी धमाल था। लिटरली मैंने इससे पूरी नदियां पार कर दी और भाई साहब इसमें आ रहा था बहुत एक्सट्रीम लेवल का मजा, काफी एडवेंचर मिल रहा था ये सब करने में। और भाई मैंने इसके साथ फिर पहाड़ भी क्रॉस किए और ऐसे ऐसे जगह पे मैं इसे लेके गया ना, मतलब अगर हम यहाँ पे नॉर्मल गाड़ी का खड़ी भी कर देना तो उसके टायर्स पूरे फट जाए। ऐसी ऐसी जगह पे मैंने अपनी गाड़ी को स्मूथली चला लिया। यहाँ पे महसूस ही नहीं हो रहा था कि मैं इतनी भयंकर जगह पे कार ड्राइव कर रहा हूँ, यहाँ तक कि मैंने चट्टानों पे भी इस गाड़ी को आराम से चला लिया भाई। और जब मेरा चार चक्के चलाने से मन भर गया तो मैं वापस आ गया अपने टू व्हीलर्स पे और भाई साहब मैंने यहाँ पे शुरुआत की अपनी R1। ये मेरी ड्रीम बाइक थी और भाई इसको चला के जो मजा आ रहा था ना, मैं वो वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता। इसकी स्पीड और कम्फर्ट और राइडिंग बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थी। और मैं ड्राइव करते करते सीधा पहुंच गया वही कपड़ों की दुकान में जहां से मैं पिछली बार अपने कपड़े नहीं खरीद पाया था। लेकिन इस बार जब मैं शोरूम को देखा तो भाई साहब मुझे समझ में आ गया कि अब तो मैं पूरा के पूरा शोरूम ही खरीद सकता हूं, यहां तक कि मैं इस पूरे मॉल को भी खरीद सकता हूं। तो मैंने स्टार्टिंग में जूते लिए, उसके बाद सारे कोट ले लिए और यहां से हर एक चीज जो शोरूम में अवेलेबल थी और जो मुझे पसंद थी बाय द वे, ये सारी चीजों को ले लिया मैंने और पूरा 4 करोड़ का बिल बन गया था। उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे तो गोल्फ खेलने भी जाना है, तो मैं गोल्फ के लिए निकल पड़ा। क्योंकि स्ट्रेस कम करने के लिए और आपको अगर रिलैक्स रहने का है, काम रहना है, तो आपको जरूरी है कि गोल्फ खेला जाए। लगभग डेली 2 घंटे तो भी खेलना ही चाहिए, अगर डेली तो नहीं कम से कम वीकली तो आपको गोल्फ खेलना ही चाहिए। तो मैं रोज गोल्फ भी खेलने लगता हूँ यहाँ पे। गोल्फ खेलने के बाद काफी भूख लग गई थी तो मैंने अपने लिए काफी सारा बढ़िया बढ़िया खाना ऑर्डर कर लिया। और ये सब मैंने इसलिए ऑर्डर किया था क्योंकि मेरा आज चीट डे था, तो भाई रोज रोज मैं इतना नहीं खाता, हेल्दी खाता हूँ, लेकिन आज के लिए इतना बहुत चलता है। सर आपको और भी कुछ लगे तो हमें जरूर बताना, हम आपकी सेवा के लिए हाजिर है। स्टाफ के सारे लोग काफी अच्छे से पेश आ रहे थे, वहाँ का एक बंदा तो मेरे लिए ढोल बाजी भी बजा रहा था, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और जब खाना पीना होने के बाद मैं निकल पड़ा अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठ के थोड़े पब्लिक रिएक्शन लेने के लिए और भाई साहब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे इस गाड़ी को देख के, क्योंकि पूरे लॉस सैंटोस में ये एक ही मॉडल था। और फिर मैं उसके बाद निकल पड़ा अपनी फेवरेट हेयर सलून शॉप में जहाँ पे मुझे करवाना था अपने लिए एक टॉप न्यू हेयर कट। बाप रे क्या दिख रहा है भाई, आजकल लोग मुझे ऐसे ही घूरते रहते हैं। और जब मैं बार बार की शॉप में एंटर होता हूँ तो भाई साहब वो मुझे देख के थोड़ा शॉक सा हो जाता है, क्योंकि ये वही बार बार था जो कुछ टाइम पहले। अरे कोई है क्या यहाँ पे, जरा मेरे बाल वगैरह बना दो, थोड़ा कटिंग वगैरह करने की थी मुझे। क्या रे भीख मंगया, ये लग्जरी सलून है, यहाँ पे तेरे जैसे लोग नहीं आ सकते, अपनी औकात के किसी सलून में जा, चल निकल। पिछली बार क्या बोला था, औकात। आइए सर, आइए आइए सर, मैं आपके बाल भी बना देता हूँ। और फाइनली मैंने अपनी पसंद का हेयर कट भी करवा ही लिया था और भाई साहब ये मेरे ऊपर काफी जच रहा था। आपको कैसा लगा आप भी कमेंट में बता सकते हो। और मैं अब सीधा निकल गया था अपने लिए एक नई गाड़ी खरीदने के लिए, क्योंकि इतने सारी गाड़ियां ये तो सारा बोल बच्चन है, लेकिन आपको एक डेली लाइफ के लिए आपको एक गाड़ी की जरूरत तो पड़ती है जिसमें आप अपने घर फैमिली के साथ निकल सके। और फिर दूसरे दिन मैं सीधा पहुंच जाता हूँ अपनी गाड़ी में बैठ के टोयोटा के शोरूम में और वहां पे भाई साहब मेरी गाड़ी को देख के काफी ज्यादा लोग हैरान हो गए थे, लेकिन भाई मुझे तो अपने लिए नई गाड़ी खरीदने की थी। वहां पे मैंने सारे मॉडल चेक किए और मुझे नई नवेली हाई क्रॉस पसंद आ गई। मैंने उनसे बोला ये मुझे बुक कर दो, तो मैनेजर बोलने लगा नहीं सर ये आपको नहीं दे सकते, ये गाड़ी की वेटिंग है, आपको 3 महीने के बाद ही मिलेंगी। पर यही गाड़ी मुझे किसी भी हालत में चाहिए थी, तो मैं सीधा शोरूम के ओनर के पास गया, उसके हाथ में 50 करोड़ रुपए दिए और बोला आज से ये शोरूम मेरा है, तो वो मान गया। और सीधा उसके बाद मैं वो मैनेजर के पास गया, उसे एक लाफा लगाया, ये ही मुझे बोल रहा था कि वेट करना पड़ेगा, लेकिन अब वेट करने की बात ही नहीं आती क्योंकि शोरूम ही पूरा मेरा था। और फाइनली मैंने शोरूम से परचेस कर ली थी, मतलब अब अपने शोरूम से परचेस कर ली थी नई इनोवेली टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस, वो भी हाइब्रिड वाला वर्जन, टॉप वेरिएंट मैंने खरीद लिया था। इसको खरीद के मैं काफी खुश था और मानना पड़ेगा ये टोयोटा की ऐसी गाड़ी थी जिसने इनोवा के लेगेसी को बरकरार रखा था। भाई बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल और सनरूफ वाली भी थी ये गाड़ी और इसको चलाने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। लेकिन यार फिर थोड़ी देर के बाद मुझे मिलती है वो चीज जिसे मैं नफरत करता हूँ, जो कि है सिग्नल। अब मैं सिग्नल के ग्रीन होने का इंतजार ही कर रहा था कि मुझे पीछे से कुछ आवाजें आने लगती है। अब मैं पीछे जरा मुड़ के देख ही रहता हूँ कि इतने में अचानक से और फिर
लगभग 2 घंटे के बाद मुझे होश आता है। मेरा सर बुरी तरीके से चकरा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हुआ और मैं इस हालत में पहुंचा कैसे। थोड़ा सा मुझे होश आया तो मुझे दिखा कि मेरे आजू बाजू कुछ लोग खड़े हैं जिन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। देखने से ये लोग मवाली और गुंडे टाइप के लग रहे थे और मुझे समझ में आ गया था कि यही वो लोग हैं जो मुझे यहाँ पे लेके आए हैं। और उनका जो मेन लीडर था बॉस, वो मेरे पास आता है और बस वो ये शब्द बोलता है, मेरा पैसा कहाँ है। ये आवाज सुन के मैं समझ गया था ये तो मावेश द डॉन है और मैं समझ गया था कि मैं अब काफी बड़ी मुसीबत में हूँ। तो इसके आगे का देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और मावेश द डॉन कौन है ये जानने के लिए ये वाला वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।